पनीर कुलचे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे। और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। जब दही आटे में मिक्स हो जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसमें गुनगुना पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको वापस से गूंद लेंगे। इस आटे को हमने करीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं कि आटा अब स्मूथ और एकदम सॉफ्ट लग रहा है। अब हम इसे ढककर करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम पनीर की स्टफिंग बनाएंगे। पनीर की स्टफिंग के लिए हमने करीबन 100 ग्राम पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसमें हमने नमक डाला है, चाट मसाला, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, छोटा कटा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लें। सो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग रेडी है। अब आटा गूंद कर आधा घंटा रेस्ट कर चुका है। अब हम इसके अच्छे इक्वल साइज के गोले बना लेंगे। स्मूथ गोलों को बनाने के लिए हाथ को अंदर की तरफ ले और आटे को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि हमने एक अच्छा सा गोला बना लिया है। अब इस गोले को हम बेल कर एक छोटी पूरी जैसा बना लेंगे। इसके बीच में हम करीबन 2 से 3 चम्मच स्टफिंग को ले लेंगे। स्टफिंग को साइड से अंदर डालकर इसको अच्छे से बंद कर लें और एक स्मूथ सा बॉल बना लें। इसको दोनों हाथों की मदद से प्रेस करें और दबाकर रख लें। अब हम इसके ऊपर काले और सफ़ेद तेल का मिक्सचर ऊपर चिपका लेंगे। हम छोटे कटे हरे धनिए को भी ऊपर चिपकाएंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसको मोटा मोटा सा बेल लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाएं। आप इसे चाहे तो गोल भी बना सकते हैं या थोड़ा सा लंबा ओवल शेप भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए इसकी एक मोटी सी रोटी बेल ली है। अब इसको हम एक हाथ पे ले लेंगे और इसकी उल्टी तरफ हम पानी लगाएंगे। इस तरीके से हम अच्छे से पानी लगा लेंगे और एक गरम रोटी के तवे पर इसको पकने के लिए ले लेंगे। जब आप ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स देखने लगे करीबन 2 मिनट में, आप तवे को उल्टा कर लें, फ्लेम को हाई कर लें और 2 मिनट तक गोल गोल सर्कल्स में इसको अच्छे से घुमाएं ताकि ये हर तरफ से पक जाए। जब आप देखें कि ऊपर गोल्डन कलर का क्रस्ट बन चुका है और कुलचा हर तरफ से पक चुका है, हम इनको बंद कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए 2 मिनट में ये कुलचा बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे और डन, ये कुलचा एकदम रेडी है। सो फ्रेंड्स, हम इसको धीरे से निकाल लेंगे।
तो लीजिए, कुलचा तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमने ये कुलचे रेडी कर लिए हैं बिना ईस्ट और बिना ओवन के। आप देख सकते हैं कि ये एकदम होटल के जैसे हैं। आप इसका टेक्सचर भी एकदम ब्रेड के जैसा है। ये काफ़ी टेस्टी और एकदम सॉफ्ट होते हैं। आप इसे पंजाबी ग्रेवी सब्ज़ी या कोई भी नॉनवेज सब्ज़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू।